भी बेटा। मुबारक हो आपकी बेटी हुई है, मगर हम आपकी बीवी को नहीं बचा सके। चुप हो जाओ मेरी बेटी, चुप हो जाओ। आ जाओ फातिमा। पापा पापा उठे, हम लेट हो रहे हैं। जी पापा को उठे, हम लेट हो रहे हैं। अच्छा क्या बात की है खान साहब, क्या हुआ? मैं आपके साथ नहीं। पापा, मैं आज खाना नहीं बनाऊंगी। खाना भी बनेगा और हम दोनों साथ बनेंगे। अच्छा ठीक है। बाबा यहाँ से दो ग्लास निकाल दे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। फरजाना बीबी कैसी हैं आप? जी मैं और बेटी ठीक है। अच्छा इतवार को? ठीक ठीक, चलिए ठीक है, आप आ जाइएगा। जी जी ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। बाबा ये कौन था? बेटा कोई नहीं, आप बताएं खाना बन गया? हाँ बस सलाद बना रही हूँ। अच्छा क्या लालची ससुरालियों ने जहेज की खातिर बहू को आग लगाई? क्या कह रहा है मेरा बेटा? कुछ नहीं, अपनी पिक्चर्स देख रही थी। वक्त कितना जल्दी गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। हाँ देखो तुम कितनी छोटी थी जब मैं तुम्हें लाया था, अब तो तुम्हारी शादी की उम्र भी हो गई है। शादी? हाँ बेटा आपका रिश्ता आया है और इस संडे लड़के वाले आ रहे हैं आपको देखने। मुझे नहीं करनी शादी। फिर आइडिया क्या? हम ऐसा करते हैं, शादी के बाद लड़के को घर दामाद रख लेते हैं। हाँ ये भी अच्छा है, उससे घर के काम भी करवाएंगे। हाँ ऐसा करते हैं। जी नहीं, ऐसा हमारे खानदान में कोई रिवाज नहीं है। और संडे को लड़के वाले आ रहे हैं आपको देखने। मुझे नहीं करनी शादी, मैं नहीं करी शादी, वहीं से वापस भेज दूंगी उनको। जी आज आ रहे हैं रिश्ते वाले जी शाम में। हाँ जी जी, एक ही मेरी बेटी है जी, सारी जिंदगी की जमा पूंजी उसी पे लगानी है। हाँ जी चल, मालिक बेहतर करेगा। अल्लाह सारी तैयारी होगी? जी हो गई है। कबाब में ज्यादा मिर्ची डाल दी है और चाय में चीनी की जगह नमक डाल दी है।
फातिमा हो गई है तैयारी सारी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा? अस्सलाम वालेकुम, कैसी है बहन? ठीक, आप सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। घर तो बड़ा प्यारा है भाई साहब आपका। जी शुक्रिया, मैं एक मिनट आता हूँ। ठीक है। कितना प्यारा लग रहा है मेरा बेटा आज। बेगम मुझे तो बड़ी भूख लगी। चुप करिए आप। और बेटा कैसी जा रही है जॉब आपकी? जी अंकल बस थक जाता है बेचारा। जी अच्छा अच्छा। भाई साहब हमारे बेटे को रिश्तों की कमी नहीं है। और भाई साहब कैसे पाल लिया आपने बिन माँ की बच्ची को? बस बहन कोई कमी नहीं रहने दी मैंने। ले फातिमा आ गई। आओ बेटा, आओ बेटा बैठो। और बेटा क्या क्या कर लेती हो? आंटी मैं वैसे भाई साहब हमारे बेटे का पिछले हफ्ते एक रिश्ता आया था, जरा पसंद नहीं आया हमें वो। भाई साहब बेटी आपकी बहुत प्यारी है। हाँ हाँ बहुत प्यारी है। जी शुक्रिया। वैसे भाई साहब आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। आप तो चुप करें। भाई साहब हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है, लेकिन उससे पहले हम कुछ रस्मों की बात कर लें। जी हम बहन वैसे भी सादगी पसंद लोग हैं। जी जी भाई साहब हम भी यही सोच रखते हैं, हम भी जहेज के खिलाफ हैं। अच्छा। मगर हमारा बेटा 9 से 5 लोकल गाड़ियों में धक्के खाता है। अच्छा। तो इसका भी भला हो जाएगा, तो हम चाहते हैं कि आप बस 25 लाख की मदद कर दें। ये सिर्फ हम अपने बेटे के लिए नहीं जी। लेकिन आपकी बेटी का भी फायदा है इसमें, तो हम इसलिए सब कह रहे हैं। 25 लाख। भाई साहब सिर्फ गाड़ी ही तो मांग रहे हैं, और वो चीजें हैं जो फातिमा अपने खुद इस्तेमाल करेगी, और ये सुन्नत भी तो है। जी मैं कोशिश पूरी करूंगा। तो फिर कब आ रहे हो हमारे घर? जी क्या ये क्या कह रही हो फातिमा? पापा बस एक मिनट, और घर के काम कर लेते हो? काम? शादी के बाद से मेरे और बाबा के काम तुम ही करोगे। क्या बोल रही है ये लड़की? इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? 25 लाख देख के खरीद रहे हैं इसको। बेटा और बेटी खरीदने और बेचने के लिए नहीं होता। तो फिर हम हाँ समझे फातिमा? ये क्या बदतमीजी है भाई साहब? चले जी चले उठे। बहन सुने तो सही। अजीब बदतमीज लड़की है भाई साहब। रूटीन चलो ज्यादा काम नहीं करवाएंगे, रूटीन वाइज काम कर लेना। अजीब लोग हैं। हाँ तुम लोग तो बहुत अच्छे हो ना। सुनो ना, देखो हम दो ही लोग हैं, ज्यादा काम नहीं होगा। सुन तो लो।